दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाने की सिफारिश, मंत्रालय में आज भी खाली हैं क्लर्कों के 500 पद, और ये दोस्तों 500 पद जल्द से जल्द भरे जाने हैं। क्या है पूरी खबर, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है प्रमोद राणा। तो जैसे ही दोस्तों आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल आ जाएगी, और दोस्तों जल्दी से फॉलो कर लीजिए। फॉलो के बाद आप मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, PDF फाइल के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ आपको जितने भी कोर्सेज डाले गए हैं, हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, MP GK हुआ, MP करंट अफेयर हुआ, सामान्य हिंदी हुआ, इन सभी की दोस्तों आपको PDF फाइल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सर्च करके भी वहाँ जा सकते हैं। और डेमो के माध्यम से दोस्तों मैं बता देता हूँ कि वहाँ इस तरह पढ़ाया जा रहा है और इस तरह आपको PDF फाइल प्राप्त होगी। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको खबर पर। देखिए दोस्तों, मंत्रालय में क्लर्क के लगभग 500 पद रिक्त हैं, इससे शासन का काम प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस ने एक स्टडी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। उसमें क्लर्क ग्रेड 1 के पद पर सीधी भर्ती करने का सुझाव दिया गया है, जैसा वर्ष 1991 से पहले होता था। बाद में ये पद प्रमोशन से भरे गए थे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, मंत्रालय में क्लर्क के लगभग 500 पद रिक्त हैं, इससे शासन का काम भी प्रभावित हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, शासन का काम प्रभावित होगा तो ये 500 पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे, और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये कौन कौन से पोस्ट ये भर पाएंगे, ये भी मैं आपको अभी पूरी जानकारी दे दूंगा। थोड़ा वीडियो को जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस ने एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की है। इसमें उसने मंत्रालय कर्मियों के कामकाज, दक्षता और ई गवर्नेंस के हिसाब से कार्यप्रणाली में सुधार की गुंजाइश बताई है। इस संबंध में कुछ बदलाव करने को भी कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि क्लर्क ग्रेड 1 की भर्ती के लिए वर्ष 1991 के पहले तक लागू नियम ही बेहतर था। महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि तृतीय वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति पहले की तरह ही सीधी भर्ती से की जाए। दरअसल शासन 75% पदों को सीधी भर्ती से ही भरता आया है। रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया है, साथ ही भर्ती को पारदर्शी बनाने का मशवरा दिया गया। यह रिपोर्ट मंत्रालय के सहायक ग्रेड 1, 2 और 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक और चतुश्रेणी पदों के संबंध में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। उसमें बताया गया है कि सरकार को इन सभी पदों पर पदस्थ लोगों की क्षमता जांच कर निर्णय लेने की प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने पर विचार करना चाहिए। तृतीय वर्ग कर्मचारियों की कंप्यूटर संबंधी क्षमता और योग्यता को बढ़ाने के लिए इन्हें नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि मंत्रालय में वर्ष 1991 के बाद से क्लर्क ग्रेड 1 के पद पर सीधी भर्ती नहीं हुई है, इन पदों को प्रमोशन के माध्यम से ही भरा गया है। इससे कार्य क्षमता प्रभावित हुई है। वर्तमान में क्लर्क के 1444 पद के विरुद्ध 1003 बाबू ही काम कर रहे हैं। अध्ययन के दौरान सीधी भर्ती और पदोन्नति वाले कर्मचारियों की कार्य क्षमता को जांचा गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीधी भर्ती है और प्रमोशन के माध्यम से जो कर्मचारी हैं उनको देखा गया है, तो उनकी तुलना में जो सीधी भर्ती होकर नए कैंडिडेट्स आते हैं वो काम भी अच्छा करते हैं और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उनकी स्नातक भी होती है, जबकि जो पदोन्नत अधिकारी हैं वो ओनली 12th पास होते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो न्यूनतम मतलब जो स्टूडेंट आ रहे हैं नए नए, उन्हीं की भर्ती की जाए, जो ये 500 पद हैं क्लर्क के, जो प्रमोशन है उसके माध्यम से नहीं किया जाए। पदोन्नति वाले कर्मचारियों में से एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती हो। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप अभी से हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। इस वर्ग में 64% कर्मचारी के पास टाइपिंग का ज्ञान ही नहीं है। अध्ययन में पता चला कि पदोन्नति वाले 59% और सीधी भर्ती के 42% कर्मचारियों को कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है। ये भी आप बहुत ही आपके लिए दोस्तों अच्छी खबर है। दोस्तों मैं आगे आपको ये खबर बता देता हूं। अब देखिए, ये अखिलेश अर्गल जी, जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस हैं, ये क्या कह रहे हैं, इस बार स्टडी का मकसद यह जानना था कि विभागों का काम क्यों प्रभावित हो रहा है। इसमें निष्कर्ष निकला कि सीधी भर्ती वालों की कार्य क्षमता पदोन्नत कर्मचारियों से बेहतर होती है। हमने सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया है, इससे काम समय पर और जल्द पूरे होंगे। स्टडी में शामिल किए 51 क्लर्क। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जल्द से जल्द जो क्लर्क हैं उनके 500 पद सीधी
भर्ती के माध्यम से किए जाएंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।